Assalamu alaikum. You are all know I am Mrs. Bukhari, case by Tappers. और कैसे आप सब, उम्मीद है कैरियर से होंगे। आज फिर एक न्यू क्लास लेके मैं आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारी आज की जो क्लास है, हम ब्यूटी हट सैलून है, हमारे मुल्तान का बहुत अच्छा सैलून है। Tappers ब्रांड की स्पेशली बहुत अच्छी यूजर है और हम इनके सैलून पे वर्क करने लगे हैं। वर्क स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको Tappers का इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। देखिए, Tappers ब्रांड जो है ये 1995 में न्यूजीलैंड में लॉन्च किया गया था। और Tappers ब्रांड का क्या मकसद है कि आपको जो हेयर केयर लाइन है इसमें अट्रैक्टिव प्राइस में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट फ्राहम करना है। Tappers की लॉन्चिंग जो है ये हेयर केयर लाइन को मजीद इम्प्रूव कर रही है और ये एक अमेरिकन एंड यूरोपियन ब्रांड है जो कि आपके हेयर्स को कम्प्लीटली अंदर तक जाके रिपेयर करता है। Tappers में एक कम्प्लीट हेयर केयर रेंज अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हेयर रिपेयर शैम्पू, ट्रीटमेंट्स कैरेटिन में है, अवेल हेयर डाई है, हेयर स्टाइलिंग है, वॉल्यूम्स है, पाउडर है, फुल एक हेयर केयर रेंज है Tappers में। देखिए, मैं आप सबको एक इंट्रोडक्शन करवा दूं कि Tappers ब्रांड जो है ये कम्प्लीट कैरेटिन ब्रांड है और इसके डाइज में, इसके वॉल्यूम्स में, इसके पाउडर में, इसकी स्टाइलिंग रेंज में कैरेटिन ऐड है। हमारा जो ह्यूमन हेयर है ये 3 एलिमेंट से मिलकर बना है, कैरेटिन, प्रोटीन, मिनरल्स, मॉइस्चर। रिसर्च से ये बात साबित हो चुकी है कि जिन बालों में कैरेटिन डिसअपीयर हो जाता है वहां क्या होता है कि मॉइस्चर इकट्ठा हो जाता है। उससे आपके हेयर्स ना सिर्फ ग्रीसी एंड हैवी हो जाते हैं बल्कि आपके हेयर्स वीक भी हो जाते हैं और डैमेज भी हो जाते हैं। और आप कैसे उसको रिकवर करते हैं, उसमें इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है और ये क्या होता है कि आप केमिकल प्रोसेस कर रहे होते हैं जिससे कि आपके हेयर्स में मॉइस्चर खत्म हो जाता है, कैरेटिन प्रोटीन खत्म हो जाता है, तो आपके हेयर्स का पिगमेंट यानी कि जो कुदरती ऑयल है वो डिसअपीयर हो जाता है, कैरेटिन डिसअपीयर हो जाता है, इसलिए आपके हेयर्स डैमेज हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि हम कैरेटिन को ऐड करते हैं हेयर्स में, ऐड करने से हमारा हेयर्स जो है वो हमारे हेयर्स को कम्प्लीटली रिपेयर करता है। ठीक है, कैरेटिन जो है वो आपके हेयर्स के जो ओपन पोर्स होते हैं, क्यूटिकल्स जो ओपन हो जाते हैं उसको फिल कर देता है कैरेटिन। इसलिए Tappers ब्रांड जो है ये एक बहुत अच्छा ब्रांड है जो कि कैरेटिन से तख्लीक किया गया ब्रांड है। स्पेशली ये जड़ी बूटियों से बना हुआ ब्रांड है और Tappers ब्रांड जो है ये अमेरिकन शीप्स के वूल से कैरेटिन लेकर ये बनाया गया है। Tappers ब्रांड की स्पेशलिटी क्या है? देखिए, मार्केट में अदर बहुत से कैरेटिन ब्रांड्स हैं लेकिन उसमें क्या है कि रिसर्च से ये बात साबित हो चुकी है कि जो कैरेटिन ब्रांड का मॉलिक्यूल वेट 150 से 300 तक होता है वो आपके हेयर्स को अंदर तक जाके रिपेयर करता है। अब मार्केट में अदर्स जितने भी कैरेटिन ब्रांड्स हैं उनका क्या है कि मॉलिक्यूल वेट 500 से स्टार्ट होता है और 2000 तक जाता है। वो आपके हेयर्स को अंदर तक जाके रिपेयर नहीं करता, वो आपके हेयर्स के इर्द-गिर्द जस्ट एक कॉस्मेटिक लेयर बनाता है और आपके हेयर्स को एनी टाइम तो अच्छा करता है, शाइन करता है, लेकिन हेयर्स को रिपेयर नहीं करता। Tappers की स्पेशलिटी क्या है कि Tappers ब्रांड जो है इसका मॉलिक्यूल वेट लो है, मॉलिक्यूल वेट इसका 150 है। मॉलिक्यूल वेट क्या है? इसके जर्रात है कैरेटिन के। मॉलिक्यूल वेट 150 होने की वजह से Tappers ब्रांड आपके हेयर्स को अंदर तक जाके रिपेयर करता है जिससे जो है आपका हेयर स्ट्रोंग हो जाता है और आपका हेयर खूबसूरत हो जाता है, आपके हेयर में इलास्टिसिटी आ जाती है। और देखिए, 150 से 300 तक जिस भी ब्रांड का मॉलिक्यूल वेट होता है वो आपके हेयर्स को रिपेयर कर रहा होता है। इसलिए Tappers की स्पेशलिटी ये है कि ये बेसिकली हेयर रिपेयर ब्रांड है जो कि आपके हेयर्स को कंप्लीट रिपेयर करता है। ठीक है, देखिए, Tappers ब्रांड आपके हेयर्स को अंदर तक जाके रिपेयर करता है। इसकी डेफिनेशन भी बताना आप सबको बहुत जरूरी है। इसकी डेफिनेशन बताने के लिए आपको हेयर्स की साफ मालूम होना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारा जो हेयर है इसकी 3 लेयर्स हैं। फर्स्ट लेयर जो हमारे बालों की बैरूनी तय होती है इसको हम क्या कहते हैं? क्यूटिकल्स कहते हैं। क्यूटिकल्स क्या है? ये एक फ्लैट सेल्स है और स्कॉल्स की शेप में होते हैं जो कि
एक छत के टाइल्स जिस तरह होते हैं उस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, और ये हमारे हेयर्स के गिर्ड जो है एक हिफाजती तह का काम कर रहे होते हैं। हमारे हेयर्स जो है इसके हेल्दी रहने से स्मूथ रहते हैं और हमारा कॉम करना आसान रहता है। फिर हेयर्स की आ जाती है सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर यानी कि दरमियानी तह, वो क्या है कि कॉर्टेक्स कहते हैं उसको। बालों के साथ में दरमियानी तह कॉर्टेक्स हो गई। कॉर्टेक्स जो होती है ये स्पाइरल शेप सेल्स से मिलकर बनती है, और ये सेल्स जो है ये भी बालों को लचक और मजबूती फराहम करते हैं। और आपको सबको बता दूं कि कॉर्टेक्स में ही मॉइस्चर और प्रोटीन का जो है तवाजुन बरकरार रहता है। और जब हम केमिकल प्रोसेस करते हैं, कोई हीटिंग प्रोसेस करते हैं, उससे ये होता है कि मॉइस्चर और केराटिन का तवाजुन बिगड़ जाता है, तो बालों में इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। फिर आ जाती है बालों की अंदरूनी तह थर्ड लेयर, उसे हम मेंडोला कहते हैं। अंदरूनी तह जो है वो किस तरह होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे बोन्स मैरो होता है, हमारा हड्डियों का एक गूदा होता है, ये अंदरूनी तह कोई खास मकसद नहीं रखती कॉस्मेटिक्स के लिए, लेकिन ये आपके बॉडी में ड्रेन पाइप का काम करती है, जो कि आपके बॉडी में वेस्ट होते हैं यानी कि फालतू मादे जो यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, जब इतनी मिकदार बढ़ जाती है तो फिर मेडोला इन्हें कॉर्टेक्स में यानी कि सेकंड लेयर जो है उसमें खारिज करता है, तो फिर वो केराटिन में घुल मिल जाते हैं, जिससे केमिकल प्रोसेस वगैरह पर बुरा असर पड़ता है, तो भी आपका हेयर्स डैमेज हो जाता है। अब क्या मैंने बताया आप सबको, हेयर्स की थ्री लेयर्स बताई, फर्स्ट लेयर क्यूटिकल्स, सेकंड लेयर कॉर्टेक्स, थर्ड लेयर मेडोला। ये तीन लेयर्स हमारे हेयर्स की है, और इसमें क्या है कि हम प्रोटीन ऐड करते हैं। जब हमारा हेयर डैमेज होता है, हमारी फर्स्ट लेयर डैमेज होती है, तो हम इसमें प्रोटीन ऐड करते हैं। प्रोटीन ऐड करने के लिए आपको क्या करना है कि आपने केराटिन ब्रांड को यूज करना है, ठीक है। केराटिन ब्रांड कौन सा यूज करना है, वो नहीं कि जिसका मॉलिक्यूल वेट 500 से 2000 तक है, बल्कि कैपर्स ब्रांड हम इसलिए रेकमेंड करते हैं, इसकी स्पेशलिटी मैंने आप सबको बता दिया कि इसका मॉलिक्यूल वेट 150 है, जो आपके हेयर्स को अंदर तक जाके रिपेयर करता है, यानी कि आपकी सेकंड लेयर कॉर्टेक्स तक जाके ये आपके हेयर्स को रिपेयर कर रहा होता है, आपके हेयर्स में इलास्टिसिटी लाता है, आपके हेयर्स को शाइनी करता है, आपका हेयर्स कंप्लीट रिपेयर करता है, और आपके हेयर्स डैमेज नहीं होते कैपर्स ब्रांड को यूज करने से। और आप ये देखें कि कैपर्स ब्रांड की एक और स्पेशलिटी कि ये आपका पीएच वैल्यू मेंटेन रखता है। हेयर्स का पीएच वैल्यू क्या होता है, 0 से लेकर 14 तक इसका एक स्केल होता है। इसमें जो 7 होता है वो नेचुरल होता है, 7 से जो कम पीएच होता है उसे एसिड रेंज यानी कि तेजाबियत कहते हैं, जबकि 7 से ऊपर की जो रेंज आती है उसे अल्कलिक रेंज कहते हैं, और जिसे खारापन कहते हैं। लेकिन आपको पता है कैपर्स प्रोडक्ट इस तरीके से बनाई गई है जो कि आपके पीएच लेवल को मेंटेन रखती है। अब इसकी पीएच लेवल वैल्यू कैपर्स ब्रांड की 4.5 से 5.5 तक है, और आपका हेयर्स का और स्किन का पीएच लेवल मेंटेन रखता है कैपर्स ब्रांड। ये भी इसकी स्पेशलिटी है कैपर्स की। कैपर्स ब्रांड की स्पेशलिटी आपको बता दी है, अब शेड कार्ड से आप सबको बता देती हूँ कि इस केराटिन इन्फ्यूजन सिस्टम, कंपनी ने आपको नेम ही दे दिया है केराटिन से तख्लीक किया गया ब्रांड, और ये आप सबको मैंने बता दिया है डेफिनेशन में कि केराटिन से तख्लीक किया गया ब्रांड है, बेसिकली अमेरिकन ब्रांड है, अमेरिकन शीप्स के वूल से केराटिन लेकर कैपर्स ब्रांड बनाया गया है। अब आप सब कैपर्स का शेड कार्ड देखें, आप सबको शेड कार्ड समझा देती क्योंकि अदर्स ब्रांड से हमारा जो शेड कार्ड है ये डिफरेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा इजी शेड कार्ड है। वो किस तरह के देखे, आप अदर्स ब्रांड में जब भी कलर यूज करते हैं उसमें क्या होता है कि पॉइंट्स के साथ आपको नंबर्स दिए होते हैं, 1 होता है पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद 0 आ जाता है, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, इस तरह 10 पॉइंट्स तक होते हैं। ये कलर्स क्या होते हैं, नेचुरल कलर्स होते हैं, यानी कि पॉइंट के बाद 0 किसी शेड को शो नहीं कर रहा, वो नेचुरल कलर्स को शो कर रहा है। नेचुरल कलर्स क्या होते हैं, नेचुरल कलर्स वो होते हैं जिनसे अल्लाह पाक ने हमें कुदरती तौर पर नवाजा है। अब आप ये देखिए कि 1 से 4 तक नेचुरल एशियन हेयर्स आ जाते हैं, लेकिन ब्रांड एक एशियन हेयर्स के लिए नहीं बनाया गया, ये जो है ऑल कंट्रीज के लिए बना है, तो आप देखिए कि आगे के जो हेयर्स हैं ये अदर्स कंट्रीज में होते हैं, यानी कि 1 से 10 तक जो नेचुरल कलर्स होते हैं ये
अब वो कलर्स हैं जिनसे अल्लाह पाक ने हमें कुदरती तौर पर नवाजा है। अब आपको अदर ब्रांड में 1.0 याद करना पड़ता है कि 1 के पॉइंट के बाद 0 किसको नेचुरल को शो करता है, लेकिन हमारे ब्रांड में ऐसा नहीं है। आप लव्स क्या बोल रहे हैं, नेचुरल, यानी कि जो कलर का फर्स्ट वर्ड है आपको कंपनी ने उसका कैपिटल वर्ड दे दिया, यहाँ नेचुरल हो गया, ठीक है। उसके बाद पॉइंट के बाद आ जाता है 0 के बाद 1, पॉइंट के बाद 1 किसको शो करता है, ऐश को शो करता है, यानी कि पॉइंट से पहले लेवल आ गया आपका, ये 1 to 10 लेवल के डाइज हो गए, पॉइंट से पहले लेवल आ गया और पॉइंट के बाद कलर नेम आ गया। अब पॉइंट के बाद 1 ऐश को शो कर रहा होता है, तो उसमें ऐश में ए से ऐश बना, तो आप देखिए कंपनी ने आपको लेवल के साथ 5A, 6A, 7A, 8A, यानी कि ये कंप्लीट ऐश की सीरीज है और 5, 6, 7, 8 इसके लेवल्स हो गए। इसी तरह से पॉइंट के बाद MN, यानी कि पॉइंट के बाद 2 किसको शो करता है, मैट नेचर्स कलर्स होते हैं ये, तो हमारी कंपनी ने आपको MN दे दिया और आगे उसके लेवल्स दे दिए। फिर सेम इसी तरह पॉइंट के बाद 3 किसको शो करता है, पॉइंट के बाद 3 गोल्ड को शो करता है। अब कंपनी ने आपको गोल्ड जी से होता है जी दे दिया। अब पॉइंट के बाद 3 जो होते हैं वो इनहेंसिंग गोल्ड कलर्स होते हैं, तो हमारी कंपनी ने आपको GI इनहेंसिंग गोल्ड दे दिया, यानी कि जो भी कलर नेम होता है उसका जो फर्स्ट वर्ड जो हम बोल रहे होते हैं वो हमने आपको नेम के साथ कंपनी ने आपको आसानी के लिए दे दिए। कलर्स नेम A से ऐश, MN मैट नेचर्स कलर, N से नेचुरल कलर्स, E से एक्सप्रेसो ब्राउन कलर्स, H से हेजल्स कलर्स इसके, G से गोल्ड, B से बेज, GI इंटेंस गोल्ड, KG कॉपर गोल्ड, KB कॉपर ब्लॉन्ड। अब देखिए KG कॉपर गोल्ड है ना, तो K पहले है और G बाद में है, तो इसमें ये है कि इसमें कॉपर ज्यादा है और गोल्ड कम है, इसलिए जो पॉइंट पहले होता है वो कलर में ज्यादा इनहेंसिंग शेड होता है। KB कॉपर ब्लॉन्ड, K से सिर्फ कॉपर। अब हमारे यहाँ पे C से कॉपर लिखा जाता है एशिया, हमारे यहाँ एशिया में, लेकिन अदर्स कंट्री में अमेरिका में के से कॉपर बोला जाता है, इसलिए उन्होंने अपनी लैंग्वेज के हिसाब से ये शेड कार्ड बनाया, ठीक है। इसके बाद T से टबैको कलर्स है, RT रेड टबैको। अब देखें RT, अब देखने में ये ब्लॉन्डिश शेड लग रहे हैं आपको, लेकिन R पहले है T बाद में, तो इसमें रेड ज्यादा होगा टबैको कम होगा इसमें। RK रेड कॉपर, R से रेड, CB चॉकलेट ब्राउन, RM रेड महागनी कलर हो गए इसके, RV रेड वायलेट, C से क्लासिक वायलेट। उसके बाद 10 से इसके लिफ्टर शेड्स हो गए जो कि हाइलाइट्स में यूज हो रहे होते हैं, हेयर्स लिफ्ट करने के लिए यूज हो रहे होते हैं। फिर F से जो इसके ये शेड है ये इसके स्ट्रिक्स कलर हो गए, ये आप सब देख लें। और 12 नंबर इसके हाई लिफ्टर शेड्स हो गए जो कि आपको पता है कि डायरेक्ट लाइटर जाने के लिए यूज हो रहे होते हैं और हाइलाइट्स में भी यूज हो रहे होते हैं। बूस्टर्स कलर आपको रेड बूस्टर दिया हुआ है कंपनी ने, और ऑरेंज बूस्टर दिया हुआ है यानी कि कॉपर बूस्टर, और आपको वायलेट बूस्टर दिया हुआ है जो कि बूस्टर्स कलर्स का क्या पर्पज होता है, ये टोन्स इनहेंस कर रहे होते हैं, यानी कि अगर आप रेड कलर कर रही हैं आप जितना रेड लेंगी उसका हाफ रेड बूस्टर ऐड करेगी तो आप डायरेक्टली रेड बहुत अच्छा और आइडियल शेड लेंगी। देखिए अब आप ये देखिए कि आपको शेड कार्ड पे ही सब कुछ दे दिया गया है, जस्ट आपको एक रीड करने की जरूरत होती है। आप शेड कार्ड ही अगर रीड कर लेते हैं तो आप उस ब्रांड्स को तकरीबन समझ लेते हैं। अब ये आपको एक मोनोग्रामिंग दी गई है, इस मोनोग्रामिंग में क्या दिया गया है, आप देखिए कि रेड को क्या क्रॉस कर रहा है, ग्रीन क्रॉस कर रहा है, वायलेट को येलो क्रॉस कर रहा है और ब्लू को ऑरेंज क्रॉस कर रहा है, ये एक क्रॉसिंग मोनोग्राम है। इसका क्या मकसद है, इसका ये मकसद है, इसके साथ ये आपको शेड्स दिए गए हैं जिसको हम मिक्स टोन्स कलर्स कहते हैं। मिक्स टोन्स कलर्स क्या होते हैं, इसमें एंटी कलर्स भी होते हैं, एनहेंसिंग कलर्स भी होते हैं। अब इसमें एंटी कलर्स कौन से हैं, जो क्रॉसिंग कलर है, इसमें देखिए वायलेट किसको क्रॉस कर रहा है, येलो को, ये आपको वायलेट शेड वायलेट कलर दिया गया है यानी कि ये एंटी येलो कलर है। अब आप देखिए ब्लू ऑरेंज को क्रॉस कर रहा है, ब्लू एंटी ऑरेंज हो गया, ग्रीन रेड को क्रॉस कर रहा है तो ग्रीन एंटी रेड हो गया। अब एंटी कलर्स क्या है, क्या इनका यूज क्यों किया जाता है डाइज में, क्यों जरूरी है इनका यूज डाइज में,
इसके बारे में भी मैं आप सबको बता देती हूँ कि देखिए हमारा जो एशियन हेयर्स है, हमारे यहाँ वेदर हॉट रहता है, हमारा हेयर्स डार्क होता है। अब क्या होता है कि हमारे यहाँ पे 8 महीने वेदर हॉट रहने की वजह से हमारा हेयर्स जो लेवल है 1, 2, 3, 4 लेवल तक का जो हेयर्स होता है हमारा, इसमें क्या आता है, रेड पिगमेंट आता है। पिगमेंट क्या होता है, हमारे हेयर्स का कुदरती ऑयल होता है। और आप ये देखें कि हम जब लाइटर पे जाने लगते हैं इस लेवल से, तो हमारे हेयर्स में रेड पिगमेंट शो होता है, रेड कलर इनहेंस हो जाता है, जो कि हमारे हेयर्स का कुदरती ऑयल होता है। जब आप 5, 6, 7 लेवल्स के हेयर्स पे जाते हैं, तो आपका रेड पिगमेंट किल होकर क्या होता है, ऑरेंज पिगमेंट इनहेंस हो जाता है, ऑरेंज प्लस लाइट सा येलो। फिर जब आप 8, 9, 10 पे जाते हैं, तो इसमें येलो पिगमेंट इनहेंस हो जाता है। तो अब इन पिगमेंट्स को कट करने के लिए आपको कंपनी ने क्या फैसिलिटी दे दी, एंटी कलर्स की, कि आप ग्रीन ऐड करेंगे कलर में एंटी रेड के लिए, ब्लू ऐड करेंगे एंटी ऑरेंज के लिए, वायलेट ऐड करेंगे एंटी येलो के लिए। अब आप सबको एक मेन पॉइंट बता दूं कि ये जो एंटी कलर्स होते हैं, मिक्सिंग कलर्स होते हैं, ये जस्ट 1 इंच ऐड होते हैं फुल 100 ml ट्यूब में। कैपर्स की ट्यूब 100 ml है, इसमें आपने 1 इंच ऐड करना है, तो 1 इंच कितना होता है, तकरीबन हमारी फिंगर का फर्स्ट लाइन जितना 1 इंच होता है, ठीक है। उसके बाद रेड इसमें इनहेंसिंग कलर है, रेड इनहेंस करने के लिए, येलो इसमें गोल्ड इनहेंसिंग कलर है, और इसमें एक कलर रह जाता है शेड कार्ड में न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या है, बेसिकली लिफ्टर कलर है। लिफ्टर कलर्स के जो यूज है वो भी 2-3 यूज है, वो किस तरह से कि आप इसको डी कलर में भी ऐड करते हैं लिफ्ट करने के लिए, हेयर्स लिफ्टर के तौर पे भी यूज करते हैं कलर में ऐड करने के लिए, यानी कि आप लाइटर शेड पे जा रहे हैं उसमें मिक्स करें। लेकिन अगर आपके पास फॉर एग्जांपल क्लाइंट आया है और क्लाइंट ने आपसे 6 N करवाना है, ठीक है, आपके पास 5 N रखा हुआ है, आप 5 N में जब लिफ्टर ऐड करती हैं तो आप उसे इजी 6 N बना सकती हैं। एक एग्जांपल दिया मैंने, यानी कि ये लिफ्टर कलर हो गया, न्यूट्रल कलर, लिफ्टर कलर, और इसके अलावा लिफ्टर कलर हेयर ग्लॉसिंग में भी यूज होता है। ये जैसे जैसे क्लासेस देती जाऊंगी या जो रिसेंटली क्लासेस दे चुकी हूँ उसमें ये है कि मैं लिफ्टर का यूज भी कर चुकी हूँ, हेयर ग्लॉसिंग में भी कर चुकी हूँ, डी कलर में भी कर चुकी हूँ, डाई में भी कर चुकी हूँ। एंटी कलर्स ये तो मेरे राइट हैंड कलर्स हैं, इनको मैं मस्ट यूज करती हूँ। और कैपर्स के शेड कार्ड में जितने भी कलर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैं इनमें से तकरीबन ऑल शेड्स पे वर्क कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे कैपर्स ब्रांड में माशाल्लाह 8 साल हो चुके हैं एज ए टेक्निकल वर्क करते हुए, और इन 8 ईयर्स में मैंने कैपर्स की 2 मच क्लासेस दी हैं, और अब भी जैसे जैसे वर्क करती जाऊंगी मैं आप सबके साथ शेयर करती जाऊंगी। अब देखें कि कैपर्स ब्रांड, उसकी डेफिनेशन, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी स्पेशलिटी, उसके बाद डाय का आपको सबको शेड कार्ड रीड करवा दिया मैंने। अब आप सब ये देखें कि डाय ट्यूब, मैंने आप सबको बताया कैपर्स ब्रांड की डाय ट्यूब 100 ml है, और इसमें 1:1 ratio से वॉल्यूम ऐड होता है, ठीक है। आप सब देख लें, कैपर्स ब्रांड का ये कलर हो गया, शेड कार्ड रीड करवा दिया आप सबको। अब ये देखें कि अल्लाह पाक ने भी हर चीज का एक कॉम्बिनेशन बनाया। हम कलर खाली तो अप्लाई नहीं करते ना, अगर हम खाली कलर अप्लाई करेंगे उससे क्या होगा, खाली कलर आप अप्लाई करेंगे कलर आएगा, जैसे ही वॉश करेंगे वो वॉश आउट हो जाएगा, उसका एक कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन क्या है कलर्स का, कलर्स के कॉम्बिनेशन आ जाते हैं उसके वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स की डेफिनेशन आपको बता देती हूँ, ये कलर्स में 1:1 की रेशियो जो बार बार बता रही हूँ, इसमें हम ये इसका वॉल्यूम ऐड करते हैं, ठीक है। इसमें एक आता है हर ब्रांड में, और कैपर्स ब्रांड में 10 वॉल्यूम 3%। इसको आप क्या करते हैं, सेम कलर करने के लिए आप हमेशा 10 वॉल्यूम पे वर्क करते हैं, ग्रे कवरेज करने के लिए आप हमेशा 10 वॉल्यूम पे वर्क करते हैं, ठीक है। सेकंड, इसमें 1 से 2 लेवल लाइटर जाने के लिए, क्योंकि आप लाइटर भी जा रहे होते हैं तो उसमें आप 20 वॉल्यूम यानी कि 6% यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद आपने हेयर्स को 2 से 3 लेवल लाइटर लेके जाना है। 2 से 3 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अकॉर्डिंग टू हेयर वॉल्यूम यूज हो रहे होते हैं, कभी आपके पास थिन हेयर आ जाता है, कभी थिक हेयर आ जाता है, तो कभी आपको 2 लेवल लाइटर जाने के लिए भी स्ट्रॉन्ग हेयर है तो 30 वॉल्यूम से काम लेना पड़ता है। तो 2 से 3 लेवल लाइटर जाने के लिए आप 30 वॉल्यूम यूज करते हैं। अब 3 से 4 लेवल लाइटर जाने के लिए आप 40 वॉल्यूम यूज करते हैं। ये कंपनी ने आपको 4 वॉल्यूम्स दे दिया, लेकिन आपको पता है कि हाइलाइट्स करने के लिए आप 4 लेवल से भी लाइटर जा रहे होते हैं, उसके लिए आप क्या करते हैं, आप
डी कलर करते हैं. डी कलर सिंपल लैंग्वेज में आप कट डाउन कर रहे होते हैं. अब कैपर्स का जो डी कलर पाउडर है, आप ये देखें कि स्नो वाइट के नाम से कैपर्स का डी कलर पाउडर है. ठीक है, स्नो वाइट यानी कि आपके हेयर्स को हीट अप नहीं करता, ये सील्ड है. अच्छा, ये व्हाइट कलर का पाउडर है इसमें, और ओपन वाला हम लेके आपको चेक भी करवा देते हैं. बल्कि अभी हम स्ट्रीक्स करेंगे तो हम उसमें यूज करेंगे पाउडर. तो कैपर्स का जो पाउडर है इसके ऊपर मेंशन है स्नो वाइट, ये आपके हेयर्स को हीट अप नहीं करता, आपके हेयर्स को डैमेज नहीं करता, क्योंकि इसकी स्पेशलिटी यह है कि ये केराटिन पाउडर है. देखिये, ये तो सब चीजें हो गई इक्वल, जैसा कि ब्रांड्स में होती है. आपको पाउडर का इंट्रोडक्शन भी करवा दिया, वॉल्यूम का भी. लेकिन कैपर्स ब्रांड में एक वॉल्यूम बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि है डीएमआई लोशन के नाम से. डीएमआई लोशन का यूज आप सबको बता दूं कि मैंने अभी तक आपको क्या बताया, सेम कलर करने के लिए 10 वॉल्यूम, टू लेवल वन से टू लेवल लाइटर जाने के लिए 20, फिर लाइटर जाने के लिए 30, फिर लाइटर जाने के लिए 40, फिर लाइटर जाने के लिए स्नो वाइट आ गया. लेकिन ऑल क्लाइंट्स को लाइटर में नहीं जाना होता, आप लाइट से डार्क पे भी आना चाहते हैं. तो जब आप लाइट से डार्क पे आना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, आप कलर को डीएमआई लोशन में बनाते हैं. क्योंकि अगर आप लाइट से डार्क पे आने के लिए 10 या 20 वॉल्यूम से कलर करते हैं तो वो आपका चर्न वॉश के बाद वॉश आउट होकर दोबारा से आपका लाइट कलर इनहेंस हो जाता है. लेकिन डीएमआई लोशन में ऐसा नहीं है. डीएमआई लोशन में आप लाइट हेयर्स को डार्क पे ले आते हैं. और उसके अलावा ये बेसिकली देखे 6 वॉल्यूम ही लिखा हुआ है, 20 वॉल्यूम है, लेकिन इसमें डीएमआई लोशन एड है जो कि एंटी एलर्जिक है. और आपके हेयर्स में सोराइसिस है, एक्जिमा है, आपको किसी किस्म की एलर्जी है, और आपको डॉक्टर ने भी इवन डाइट के डाय मना किया हुआ है, लेकिन डीएमआई लोशन के साथ आप डाय कर सकते हैं, आपको एलर्जी नहीं होगी. जी, हमारा वॉल्यूम्स का कंप्लीट इंट्रोडक्शन हो गया. आज आप सबको मैंने बताया कि आज का जो हम वर्क करने लगे हैं, जो हमारे कैपर्स की क्लास देने लगे हैं, ये हम ब्यूटी हट सैलून है, हमारे मुल्तान का बहुत अच्छा सैलून है, कैपर्स यूजर हैं, हम इनके सैलून पे वर्क करने लगे हैं. और आज का जो हमारा वर्क है, आप ये देखें कि सो डिफिकल्ट हेयर, क्योंकि मेटेलिक प्लस सिंथेटिक हेयर्स हैं, और मेटेलिक डाइज भी यूज करते हैं, सिंथेटिक भी यूज करते हैं, बिल्कुल मिक्सिंग, बिल्कुल पैची हेयर्स हैं, और उनको हमने इक्वल भी करना है, और डाई शेड अच्छा देना है उनको थोड़ा सा डार्क में, और फिर उस पर हमने हाईलाइट्स करनी है. तो मैं आप सबको उनके हेयर्स चेक करवा के और आज की क्लास स्टार्ट लेती हूँ, और जैसे जैसे उनके हेयर्स पे वर्क करती जाऊंगी आप सबके साथ फुल मेथड शेयर करती जाऊंगी, और आप सबको कैपर्स पे उसका रिजल्ट चेक करवाऊंगी कि हमने पैची हेयर्स को किस टेक्निक से कवर किया, किस तरह उनका फुल डाई किया, फिर उसमें हाइलाइट्स की, और मेन बात के हेयर्स डैमेज है तो डैमेज को रिपेयर किस प्रोडक्ट से साथ साथ करना है, कौन सा ट्रीटमेंट करूंगी कि उनका हेयर्स जो है वो 100% रिपेयर भी दूंगी, हेयर्स में इलास्टिसिटी भी आएगी, हेयर्स में शाइन भी आएगा, क्योंकि केराटिन ब्रांड पे वर्क करने लगे हैं, हेयर्स रिपेयर भी करेंगे और साथ में हेयर्स में डाई एंड हाइलाइट्स भी करेंगे.